दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो चुकी है, जहां पर एहसास की जंग जारी है, यानी कि तन्हा कप्तान 13 पार्टियों के इतिहाद उनके हैंडलर से लड़ रहा है, जबकि जनरल बाजवा रिटायर्ड होने के बाद भी बाज नहीं आ रहे, और इमरान खान मुखालिफ प्रोपेगेंडा तेज़ हो चुका है और उन्होंने अपना खुद साख्ता ISPR मंसूर अली खान को मैदान में उतारा हुआ है, जो कि इमरान खान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है वो जनाब तेज़ कर चुके हैं। तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में हलचल मच चुकी है। सबसे पहली खबर के खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट ने इस वक्त भूचाल मचा के रख दिया है और इमरान खान के हक में फैसला सुना दिया गया है, जिसके बाद ये वाज़ेह हो चुका है कि हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है और फौज ने अवामी ताकत के सामने खड़ा होने से साफ साफ इनकार कर दिया है। नाज़रीन कराम, आप ये रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा गया है, कौन से अहम तरीन सर्वेज हो चुके हैं, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि नए आर्मी चीफ ने इमरान खान को अब तक का सबसे अहम तरीन पैगाम पहुँचा दिया है और ये पैगाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि खान साहब के आगे सरेंडर कर दिया गया है। नए आर्मी चीफ का खान साहब को पैगाम पहुंचाना और सरेंडर करना, मुख्तदर हलकों ने क्या इस वक्त पैगाम पहुंचाया है, बैकडोर चैनल्स के ज़रिए क्या कुछ हो रहा है और इस वक्त लाहौर में कौन सी ताकतवर तरीन शख्सियत मौजूद हैं, किस किस की मुलाकातें हो रही हैं, ये अहम तरीन तफसीलात इनसाइड न्यूज़ हैं, ये मैंने आपके सामने रखनी है। और तीसरी खबर के अरशद शरीफ के बाद मुराद सईद कत्ल, अब उनके कातिल कौन है, मुराद सईद ने भी एक अहम तरीन ख़त लहरा दिया है। ये ख़त की इम्पॉर्टेंस और टाइमिंग आपने देखनी है कि उनकी जान को ख़तरा, उनके कातिल कौन है, और उस ख़त की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखूँगा जिसने इस वक्त तबले जंग बजा के रख दिया है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। अब जनाब इमाम, दूसरी खबर है, ये तो आपने बड़ी गौर से सुननी है। नून लीग ने नवाज शरीफ की वतन वापसी का मुतफिका तौर पर फैसला कर लिया है और नवाज शरीफ की सजा कलदम कराने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फैसला चैलेंज किया जाएगा। और ये जबकि नायब सदर नून लीग की जो मरियम नवाज साहिबा हैं उनकी भी वतन वापसी के कवी इम्कान बताए जा रहे हैं। इस हवाले से लाहौर में नून लीग का एक अहम इजलास हुआ जिसमें पार्टी के तकरीबन तमाम आला अहदेदार शरीक हुए और इस इजलास की अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आ चुकी है। इजलास में शरीक तमाम आला अहदेदारान ने अपने कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का मुतफिका तौर पर फैसला किया और ये फैसला हुआ है कि तारीख का ऐलान जो है वो लंदन से किया जाएगा। इस वक्त नून लीग जो है उन्होंने नए इंतखाबात की तैयारियां बाकायदा तौर पर शुरू कर दी हैं और मुस्लिम इमून का बयानिया घर घर पहुंचाया जाएगा। अदालती फैसलों, इमरान खान के बैन अवी सतह पर लगाए गए इल्जाम झूठ साबित हुए और उससे भी बयानिया का हिस्सा बनाया जाएगा। अवामी रबता मुहिम नवाज शरीफ खुद चलाएंगे और साथ ही नवाज शरीफ का एक और बयानिया जनरल बाजवा को इस्तेमाल किया जाएगा और उनके खिलाफ कुछ अहम तरीन सबूत जो हैं वो मंजरियाम पर लाएंगे, ये इनकलाबी बनने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आपने देखना है कि इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील क्यों नहीं की। खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने के उन्होंने फैसला कर लिया था कि 20 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं, लेकिन कल मुझे ये खबर पहुँचाएगी पंजाब के अहम तरीन जराए मुझे बता रहे हैं जो कि पंजाब हुकूमत का हिस्सा भी हैं कि असम्बलियाँ तहलील किसी सूरत नहीं होंगी, इसमें कोई लड़ाई नहीं है, यानी कि प्रवेश राय और इमरान खान साहब एक पेज के ऊपर मौजूद हैं, दोनों ऑन बोर्ड हैं, लेकिन असम्बलियाँ तहलील इस वजह से नहीं होंगी। अगर खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील कर दी, सबसे पहले तो खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर खान साहब गिरफ्तार होते हैं, नवाज शरीफ की फौरी तौर पर वतन वापसी होगी, वतन वापसी करवाते ही नवाज शरीफ का बयानिया लाहौर में GT रोड पर एक तहरीक चलाई जाएगी और इमरान खान की आवाज़ों को बंद करने की कोशिश की जाएगी। अब मैं आपके सामने कुछ अहम तरीन रिपोर्ट सकता हूँ कि खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट ने इस वक्त भौचाल मचा के रख दिया है और इमरान खान के हक में फैसला सुना दिया गया है। नाज़रीन, एक सर्वेस बहुत पहले से देख रहे हैं कि जब से खान साहब को निकाला गया 9 अप्रैल की रात को, वो एक डायरी लेकर गया था, आज डांग लेकर वो आ चुका है। अवाम ने उसको अपना उसको अपनी ज़िद बना लिया है। अवाम कह रही है कि जनाब इमरान खान हमारी ज़िद है, आप इमरान खान को नाहेल कर दें, उसके खिलाफ गंदी कैंपेन चलाई, उसको कत्ल किए करने की कोशिशें हुई, उसको मरज़ई कहा गया, उसको काफर कहा गया, बहुत सारे स्कैंडल उसके खिलाफ लॉन्च करने की कोशिश की गई, अवाम ने उसको रद्द कर दिया। तो आप ये कुछ सर्वेस करवाए गए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, ये हुकूमती सतह के ऊपर सर्वेस हुए हैं जिसने इस वक्त भौचाल मचाया हुआ है और ये सर्वेस मैं आपके सामने रखता हूँ दुनिया न्यूज़ के जरिए करवाया गया और दुनिया न्यूज़ के जो मालिक हैं वो मरियम नवाज़ के बड़े करीबी हैं। तो जनाब इमान, शहबाज शरीफ ने जो सर्वे करवाया कि अगर मार्च में इलेक्शन होते हैं तो
शहबाज शरीफ को बताया गया कि अगर मार्च में इलेक्शन हो गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ पंजाब के अंदर 62% सीटें जो हैं वो जीत जाएगी। खान साहब की मकबूलियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान इस वक्त मकबूल तरीन लीडर है, उसकी पार्टी इस वक्त मकबूल तरीन जमात बनी हुई है। और साथ ही नाज़रीन कराम, फिर उनसे ये सवाल हुआ दोबारा कि अगर नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं और हुकूमत डिलीवर करती है और ये जो इलेक्शंस हैं उसको आप काफ़ी देर तक चलाए रखते हैं और ये सारा मामला जाता है तकरीबन 7-8 महीने जो हैं वो लग जाते हैं, तो इस सारे मामले में तब जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें जो हैं वो फिर भी 50-55% के दरमियान होंगी। तो इस सारे मामले में आप देख सकते हैं कि इमरान खान 2/3 के साथ वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये रिपोर्ट्स मेरी नहीं है बल्कि हुकूमती सतह के ऊपर ये शहबाज शरीफ को एजेंसीज की रिपोर्ट भी मिल रही हैं। मैं आप आ जाएं कि नए आर्मी चीफ ने इमरान खान को अब तक का सबसे बड़ा और अहम तरीन पैगाम पहुँचा दिया है और इमरान खान के आगे सरेंडर कर दिया गया है। नाज़रीन कराम, इमरान खान एक सियासी हकीकत बना हुआ है, आप इमरान खान को नहीं हरा सकते और वो एहसास की जंग जीता है, उसने साबित किया है, वो बाउंस बैक कर रहा है और उसने साबित किया कि वो अकेला इनके लिए काफी है। तो इस सारे मामले में नाज़रीन कराम, नए आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान कुछ बैकडोर रवाबित जो हैं वो हो रहे थे, मुझे खबरें भी मिल रही थी और मैं आपको ये खबर ही दे दूं कि नए आर्मी चीफ को इमरान खान के खिलाफ कुछ ब्रीफिंग्स दी गई थी, उनको ब्रीफिंग मिल रही थी। दायरा बाजवा वाकियात जो हैं वो यहाँ पर अभी अदारे के अंदर मौजूद हैं, गंदी मछलियाँ हैं और इस्टेब्लिशमेंट का एक धड़ा जो है वो बाकायदा तौर पर खान साहब के खिलाफ लगातार प्रोपागेंडा कर रहा है जो जनरल बाजवा के जेरे असर चल रहा है मुबैना तौर पर, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है। इमरान खान को एक और अहम तरीन पैगाम पहुंचाया गया मुक्तदर हलकों की जानिब से कि अगर आप बास ना आए तो आपको नहल कर दिया जाएगा और ये केसेस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में लगा भी दिए गए हैं और 20 दिसंबर को जनाब मन ये केसेस चलेंगे और खान साहब को नहल करने की जो है वो कोशिशें हो रही हैं। अब जो खबर है कि लाहौर में इस वक्त जो अहम तरीन ताकतवर शख्स है DGISI उनका नाम आ रहा है मुबैना तौर पर, मैं फिर बता रहा हूँ कि DGISI मुबैना तौर पर लाहौर के अंदर उनकी मौजूदगी बताई जा रही है। कुछ अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ और इमरान खान को कुछ अहम तरीन पैगाम पहुंचाए गए। खान साहब को जो पैगाम पहुंचाया गया उसमें जरा आपके सामने रख देता हूं कि मुख्तदर हलकों ने इमरान खान को ए पॉलिटिकल न्यूट्रल होने की गारंटी दे दी है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, आप अपना सियासी तौर पर मुकदमा लड़ें, नून लीग अपना मुकदमा लड़ेगी, हम नवाज शरीफ को डील नहीं देंगे, आपको भी डील नहीं देंगे, हम जनाब सियासत से दूर हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह बनता है कि नवाज शरीफ अगर वापिस आ गया, उनको गिरफ्तार ना किया गया, उनके केसेस खत्म हो गए, वो अदालतों से इश्तियारी है, वो अदालतों से भगोड़ा है, वो जनाब भागा हुआ है, मफरूर है, वो मैं नहीं कह रहा बल्कि पाकिस्तान की अदालतें कह रही हैं, तो अगर वो वापस आ जाते हैं, उनके केसेस खत्म होते हैं, उनको नाहल जो है उनकी ख़त्म होती नाहली, तो इसका मतलब ये होगा कि NRO 2+ मिला है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल नहीं है अगर ये सारा कुछ हो जाता है। तो ये सारा मामला बनता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है, लेकिन इमरान खान साहब को ये मुख्तदर हल्के जो है वो बैकडोर चैनल्स के ऊपर ये खबरें दे रहे हैं, ये उनको पैगाम पहुंचा रहे हैं कि हम मुदाखलत नहीं करेंगे, अगले इलेक्शन के अंदर भी न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन ऐसा मामला होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब जनाब इमन शहबाज शरीफ साहब ने एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उन्होंने कहा कि इमरान खान उनके हवारियों ने शरीफ खानदान पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए और बदनाम करने की कोशिश की, याद रखिएगा ये इनके मुहिम का हिस्सा है जो मैंने आपके सामने अभी रखा भी, और पनामा से इकामे तक मामला तवाम के सामने है, बरतानवी क्राइम एजेंसी ने हमें क्लीन चिट दे दी है और इमरान खान ने दुनिया को पैगाम देने की कोशिश की कि पाकिस्तान को एड ना दो, हुक्मरान खा जाएंगे, यानी कि चोर हैं, खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हम चोर हैं, हम खा जाएंगे, और अमदाद शवाब तरीके से खर्च की गई, इमरान खान ने तोहफे में मिली खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी बेच दी है, ये उन्होंने कहा। अब इमरान खान साहब ने अगर उसको तोशाखाना में लिया और उसकी रकम दे दी तो खान साहब उसको बेचें, अपने पास रखें, वो उनका हक है। इन्होंने जनाब तोशा खाना से गाड़ियां लीं, मर्सिडीज़ गाड़ियां लीं, इन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ियां लीं, आज तक उसका एहतसाब नहीं हो पाया है। DGISPR ने आज तक आर्मी चीफ को मिलने वाले जितने भी तहाइफ थे, वो जाहिर है वो सरकार के नौकर हैं, उनको पाकिस्तान के नाम से तोहफे तहाइफ मिलते हैं, लेकिन आज तक उसकी जो है वो रसीदें सामने नहीं आई, इमरान खान की रसीदें भी सामने आई तोशा खाना की, फिर भी उसको चोर कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो बयान अब इनका पिटता हुआ नजर आ रहा है और इमरान खान को ये साबित नहीं कर पाए, कुछ केसेज उनके खिलाफ जो है वो सामने नहीं आए। तो यह सारा मामला है और इमरान खान साहब ने मुआशी टीम का इजलास आज तलब कर लिया है, तकरीबन 6 बजे का वक्त बताया जा रहा था कि उनको उन्होंने मुआशी टीम का जो है वो इजलास तलब किया है, तो उसके वाजह होता है कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन की तैयारी भी कर दी है और बैकडोर चैनल्स के ऊपर इस वक्त ग्रीन सिग्नल मिल रहा है जिसके बायस उन्होंने अपनी मुआशी टीम का इजलास बुलाया है, यानी कि इमरान खान अगले वज़ीर आज़म बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो मैंने आपके सामने सर्वेज रखे और सर्वेज जो है वो शहबाज शरीफ ने खुद करवाए हैं। अब आ जाए कि अरशद शरीफ उनके
कत्ल के बाद मुराद सईद को रास्ते से हटाने की तैयारी। अब उनके कातिल कौन है और मुराद सईद का जो अहम तरीन खत आया है वो जरा मैंने आपके सामने रखना है। नाज़रीन कराम, जब अरशद शरीफ दुबई के अंदर मौजूद थे और ताकतवर शख्सियात वहाँ पर जाकर अरशद शरीफ को तंग कर रही थी और उन्होंने दुबई से अरशद शरीफ को निकाला, उनको सारा मामला हुआ, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि उस वक्त जब ये उनको डराया गया, उनको धमकाया गया, उस वक्त अरशद शरीफ साहब ने उनको एक कॉल की थी और वो कॉल थी मुराद सईद को, और मुराद सईद ने उस कॉल को, जनाब कहा गया अरशद शरीफ ने कि आप चुप रहें और आपने सिर्फ इस कॉल को सुनना है और उसको रिकॉर्ड कर लेना है। मुराद सईद ने वो उस कॉल को रिकॉर्ड भी किया और उनको पता है कि कौन सी शख्सियत थी वहाँ पर, किसने उनको ब्लैकमेल किया, और फिर मुराद सईद के पास ऐसे नकाबे तर्दीद सबूत मौजूद हैं। मैं आपको ये मुसद्दका खबर दे रहा हूँ, इसमें कोई मुबैना तौर पर बात नहीं हो रही, मुसद्दका खबर है कि अगर मुराद सईद जो हैं उनके पास ऐसे नाकाबिले तर्दीद सबूत मौजूद हैं वो सामने आ गए, तो जनाब मन जितने भी ये ताकतवर लोग हैं जिनका नाम ये नामजद हुआ, बाजवा साहब, DGISI, मेजर फैसल, सेक्टर कमांडर फहीम, कर्नल नुमान सिंह, जिनका सबका ताल्लुक ISI से, अगर ये सबूत सामने आ जाते हैं तो ये सारे कटहरे में होंगे और सारे जेल के सुराखों के पीछे होंगे। तो मुराद सईद इनका नंबर वन दुश्मन बन चुका है, मुराद सईद को रास्ते से हटाने की कोशिशें हो रही हैं। और फिर मुराद सईद का ताल्लुक अरशद शरीफ से बहुत गहरा था, वो इनके बहुत करीबी दोस्त थे, इनके पास बहुत सी अहम चीज़ें हैं जिनको लेने की कोशिशें हो रही हैं। तो मुराद सईद ने सदर मुमलिकत को सिक्योरिटी खदशात पर खत लिख दिया है, खत ने मशकूक अफराद के ताकुब करने, ये मशकूक अफराद कौन है, आज तक पाकिस्तान में नामालूम अफराद थे लेकिन वो नामालूम भी मालूम हो चुके हैं कि कौन पाकिस्तान की एक एजेंसी है जो कि ये सारे काम करती है, और धमकियों से मुतल्लिक तफसीलात दर्ज, हुकाम ने बार बार बताया कि मेरी जान को खतरा है। अब मुराद सईद की जान को खतरा है, मुराद सईद के पीछे पड़ गए, अब उनको जनाब ये रास्ते से टालने की कोशिशें हो रही हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि अरशद शरीफ के कातिलों की जितनी भी जनाब सबूत हैं वो मुराद सईद साहब के पास मौजूद हैं। अब जनाब इस खत में लिखा गया है कि PTI हुकूमत के खात्मे के बाद मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, मालाकंड में नामालूम अफराद ने मेरा पीछा किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मुराद सईद का ताल्लुक अबू बतक कबायली इजलास है और ये पीछे नहीं हटेगा, वो इनको खा के जाएगा, इनके घर तक इनको छोड़कर आएगा और वो तमाम सबूत भी दादा को दिखाएगा। उन्होंने खत में सवाल उठाते हुए कहा कि मुझे बताया जाए ये लोग कौन हैं, मुझे हुकाम की जानिब से बार बार बताया गया कि मेरी जान को खतरा है, मेरा अल्लाह ताला के पर कामिल अमान है, मैं मौत से नहीं डरता और हक बात कहता रहूँगा, और 12 जुलाई को अरशद शरीफ ने भी आपको खत लिखा था, इस मामले पर किसी ने नोटिस लिया और ना ही अरशद शरीफ के खदशात को संजीदगी से लिया गया है। तो ये वाज़ेह तौर पर चीज़ें जो हैं वो क्रिस्टन क्लियर हो रही हैं कि अब मुराद सईद का पीछा जो है वो किया जा रहा है। अल्लाह ताला इनकी हिफाज़त करे। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का अपने लाजमी ख्याल रखने, अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।